अग्निवीर पर आर पार, चुनाव आयोग की नसीहत दरकिनार। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है, ऐसे में राहुल गांधी रुद्रपुर से एक बार फिर अग्निवीर का मुद्दा उठाए और साफ तौर पर ये कहना है राहुल गांधी का कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन अग्निवीर स्कीम को फाड़ कर फेंक देगी। और ये स्कीम नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ है, पीएमओ का बनाया हुआ है, ना कि सेना का बनाया हुआ है। और इस स्कीम से सेना और इस देश के जवानों का अपमान हो रहा है। सुनिए, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं को कहा है कि अगर आप गरीब घर के बेटे हो और आप सेना में जाते हो तो आपको ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी, और अगर शहीद होते हो तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और अमीर घर के बेटों से कहते हैं कि अगर आप अमीर हो तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको कैंटीन मिलेगी, आपके परिवार की रक्षा होगी। अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना का स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है, ये पीएम ऑफिस का स्कीम है, और इससे सेना का, देशभक्तों का, जवानों का अपमान किया जा रहा है, इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। अग्निवीर के सहारे कांग्रेस, राहुल का मास्टर स्ट्रोक या सेल्फ कोल। लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने नसीहत दी थी बीजेपी को और कांग्रेस को कि वो धार्मिक या अग्निवीर वाले मुद्दे पर बयान देने से बचें, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी एक बार फिर से अग्निवीर का मुद्दा छेड़ दिए हैं। राहुल गांधी ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं, लेकिन सवाल ये कि अब चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मान के साथ ओमशील, AMV नेटवर्क, दिल्ली।